कि हमने देखा है कि इंफोसिस बहुत पहले मिस्टर मूर्ति के टाइम में भी अपनी गाइडेंस को आउट परफॉर्म करती थी, क्या वो दिन वापस आ गए हैं पुराने दिन? क्योंकि बीच में थोड़ा प्रेशर आ गया था, वो उनकी भी वापसी हुई है, और क्या ये संकेत मिल रहे हैं कि वापस आउट परफॉर्मेंस रहेगी, जो गाइडेंस देते हैं उससे काफी अच्छा प्रदर्शन? सी डेफिनेटली एक्चुअली 9-10% का जो गाइडेंस है आफ्टर 2.7% जो उन्होंने क्वार्टर वन में गया और 3.8% इस क्वार्टर में गया, नेक्स्ट टू क्वार्टर्स में अगर फ्लैट भी रहे रेवेन्यू ग्रोथ तो भी आराम से वो गाइडेंस मीट हो सकता है. तो डेफिनेटली 9-10% बहुत ही कंजर्वेटिव स्टैंड है, दैट्स वॉट मतलब आई फील. हो सकता है कि कंपनी आराम से 11% के आसपास क्लॉक कर जाएगी इस साल. अंकिता, आपका इस वक्त इन्फोसिस पर क्या टारगेट प्राइस है और कितना आप रिवाइज करेंगे ऊपर की तरफ? करंटली मेरा टारगेट प्राइस इंफोसिस में 3200 के अराउंड था, बट जैसा कि मैंने बोला कि उसका ईपीएस एक्चुअली FY15 का डेफिनेटली अपग्रेड होने के चांसेस है फ्रॉम द करंट एस्टिमेट ऑफ अराउंड 206 रुपीज. तो अगर अपग्रेड हो जाता है और मैं उसको डिसेंट 20% का डिस्काउंट भी दूं टीसीएस के मल्टीपल पे, 20-25% का भी, तो भी आराम से टारगेट प्राइस 3500-3600 तक हो जाता है. ओके, चलिए तो अब इंफोसिस के बाहर कुछ स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जहां पर आज एक्शन काफी दिखने की संभावना है. एक और स्टॉक रैनबैक्सी, आशीष राय आपसे लूंगा. प्री ओपनिंग सेशन में 10% ऊपर है. इनकी जो सब्सिडियरी कंपनी है ओम लेबोरेटरीज यूएस में, उन यहाँ वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव खबरें आती हुई दिख रही है कि यूएस एफडीए की तरफ से क्लीन चिट मिलने के संकेत आ रहे हैं जो इंस्पेक्शन हुआ है उसके बाद. रैनबैक्सी का स्टॉक काफ़ी दिनों से काफ़ी बेहतरीन रनअप में है, क्या करना चाहिए? अनिल जो बनाऊंगा मोस्ट वोलेटाइल स्टॉक है से, और जिसके अंदर में काफ़ी वोलेटिलिटी हम ऑलमोस्ट 10-15% की एदर साइड देख रहे हैं, और जिस तरह से ये मूव करता है उसके बाद में एक फॉलो अप इसके अंदर में एक्शन आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैप काफ़ी लोग हो जाते हैं उसके उल्टे डायरेक्शन में. अब जिस तरह से हम देख रहे हैं 8-9% की बढ़त दिखा रहा है, तो डेफिनेटली इसमें शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बनेंगे और जो इसको वापस से 460-470 तक लेके जा सकते हैं. बट सेम वे मैं ये कहूँगा कि इसका जो फॉलो अप है वो नेक्स्ट 2-3 दिन ही आता है, उसके बाद में वापस से काउंटर कहीं ना कहीं फिजल आउट हो जाता है. तो आज डेफिनेटली ओपनिंग के बाद में ये 2-3 दिन ये पॉजिटिव जोन में ट्रेड करेगा. 420 इसका स्ट्रांग सपोर्ट रह सकता है और 480-490 तक की पॉसिबल अपसाइड इसके अंदर हमें देखने को मिल सकती है. कुछ और स्टॉक्स जो आज काफी एक्टिव है उस पर भी एक रैली लेते हैं. जेट एयरवेज एक स्टॉक है जो फोकस में रहेगा फिलहाल. दिवांग हमने देखा है कि काफी हद तक इसमें ऑलरेडी काफी बिल्ट अप हो गया था, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, अब खबरों को देखते हुए क्या करें? जनरल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी न्यूज़ में रह चुका है लास्ट 3-4 महीने से. अगर आप देखें तो एक से एक बॉडी के पास जाता है और उसका डील पहले पास होता है या नहीं होता है. आई थिंक अभी जो न्यूज़ फ्लो था वो शायद ख़त्म होने आया है. अभी स्टॉक अपने खुद के एक फंडामेंटल ट्रेजेक्टरी लेगा जहां मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी प्रेशर्स बने हुए हैं. अगर आप ATF वगैरह के प्राइजेस देखें और अगर डिमांड सिनेरियो देखें तो कोई इतना ग्रेट लोड फैक्टर वगैरह नहीं है इंडस्ट्री में. तो मुझे लग रहा है कि ट्रेडर्स भले इसमें appropriate stop losses के साथ ट्रेड करें, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए मैं खास करके जब मार्केट इतना अच्छा मोमेंटम में तब ये स्पेस अवॉइड करने को कहूंगा. और रादर देन दैट अगर आप BFSI या बैंकिंग वगैरह में भी बाय करें तो भी इससे बहुत ज्यादा बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं. लेकिन एक और स्टॉक जो आज फोकस में रहना चाहिए और उसकी वजह है सोमवार को आने वाले नतीजे, और वो है बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज. ये अपने सोमवार को अपने नतीजे पेश करेगा. स्टॉक में कुछ मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है. हमारा अनुमान ये कि मुनाफा 1.25% बढ़ता हुआ नजर आएगा, लगभग 5420 करोड़ के आसपास के मुनाफे के आंकड़े की हम उम्मीद कर रहे हैं. सेल्स में 13-14% की ग्रोथ तिमाही दर तिमाही देखने को मिलेगी, ये हमारा अंदाजा रिलायंस के लिए. टेक्निकली क्या सोमवार को नतीजों के पहले अल्पेश खरीदने का मौका दिखा रहे हैं चार्ट्स पर? जी हाँ बिल्कुल. देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 840 एक बहुत ही शॉर्ट टर्म का एक स्ट्रांग सपोर्ट बना हुआ है, और जिस तरह से इसमें एक फॉर्मेशन बन रहा है मुझे लगता है कि स्टॉक्स में अगर एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आते हैं स्टॉक्स में कहीं पर भी, तो ऊपर में एक उछाल आपको देखने को मिल सकता है जो स्टॉक्स को कहीं पर भी 900 के लेवल तक देखने को लेके जा सकता है, जहाँ पे स्टॉक को एक शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस मिल सकता है. लेकिन मैं यहाँ पे 840 के स्टॉप लॉस से एक बाय रिकमेंड कर सकता हूँ. 840 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय. आशीष, बाजार खुलने वाले हैं, दमदार ओपनिंग होगी ग्लोबल संकेत और इंफोसिस, दो स्टॉक वायदा कारोबार के जिनमें एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी वो खरीदने चाहिए खुलते ही.
जी हाँ बिल्कुल अनिल जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कैपिटल गुड्स साइक्लिकल जिस तरह से हम प्ले कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एलएनटी ये एक काउंटर होगा जहाँ कम से कम ₹50 की बढ़त आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर हमें देखने को मिलेगी। 920 तक का एक पोटेंशियल अपसाइड मुझे लगता है लार्सन एंड टूब्रो में देखने को मिलेगा, यहाँ पर पे शॉर्ट कवरिंग के लिए प्ले करना चाहिए। सेकंड काउंटर होगा आईसीआईसीआई बैंक। देखिए बैंकिंग स्पेस में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह का न्यूज़ फ्लो आ रहा है, जिस तरह से डॉलर को एक अच्छा खासा रुपया के अंदर में अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है और जिस तरह के मेजर्स आरबीआई ले रहा है उसका सबसे पहला इम्पैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में आएगा और जिसमें आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक ये दो काउंटर होंगे जहां मैं समझता हूं 4 से 6% की बढ़त आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर में हमें देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही दूसरे स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं कि अशोक लीलैंड भी फोकस में रहेगा फिलहाल, ये काफ़ी एक्टिव रहा है पिछले कुछ दिनों में। अल्पेश क्या करना चाहिए, क्या मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा हिंदुजा ऑटोमोटिव ने भी करीब 2.6 करोड़ शेयर्स लिए हैं ब्लॉक डील के तहत। एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम के फॉर्मेशन तैयार हो रही है जो है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक में मुझे लगता है कि 17 के पास में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस स्टॉक्स को मिल सकता है, अगर उसके ऊपर अगर ये स्टॉक्स निकाल पाता है तो उसमें जो एक ऊपरी तरफ की बढ़त जो मिलेगी वो कभी भी 20 से 21 तक के लेवल तक लेके जा सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑटो सेक्टर के चार्ट की बात करें तो इसमें एक अच्छी खासी एक फॉर्मेशन तैयार हो रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बाकी अदर ऑटो स्टॉक जैसे लाइक मारुति महिंद्रा इन सब में एक अच्छी खासी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। बाजार खुलने वाला एक क्विक चेक रेनबैक्सी पर, क्योंकि प्री ओपनिंग सेशन में 432 10% ऊपर दिख रहा है, और कितना ऊपर जा सकता है ये, क्योंकि चूंकि सर्किट खुलेगी और उसके बाद और ऊपर जाने की संभावना बनेगी। देखिए और ऊपर के लेवल में मैं मानता हूँ 445-450 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टॉक्स के लिए साबित हो सकता है, वहां पर जाने की उसकी पूरी पूरी चेष्टा करेगा। 445 हाँ जी ओके 445 तक जा सकता है आगे अब ये स्टॉक, लेकिन फिलहाल बाजारों के खुलने की तैयारी। उससे पहले इंफोसिस और रेनबैक्सी दो स्टॉक ऐसे हैं जो जबरदस्त तेजी दिखाने के मूड में, इंफोसिस 7% ऊपर खुलेगा, रेनबैक्सी 10% ऊपर खुलेगा, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं हमें प्री ओपनिंग सेशन से। 85 अंकों की तेजी, 6100 के पार खुलेगा निफ्टी और साथ ही 262 अंक ऊपर खुलेगा सेंसेक्स, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देवांग ये बताइए कि रियल स्टेट शेयरों में कहीं कोई खरीदारी के मौके दिख रहे हैं, क्योंकि कल रियल स्टेट आरईआईटी फंड्स को लेकर सेबी की तरफ से गाइडलाइंस आई है, क्या खरीदेंगे आप? आई थिंक मुझे लग रहा है अगर रियल एस्टेट में कुछ खरीदना ही है तो डीएलएफ ही खरीदना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से ही टॉप मूवर रहता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को कुछ करना ही है, लेकिन अभी फिर भी मैं दोहराऊंगा कि रियल एस्टेट की जगह आप रियल एस्टेट की जो प्रॉक्सी प्लेस है HDFC LIC हाउसिंग फाइनेंस इन स्टॉक्स में आपको ज्यादा फंडामेंटल्स मिलेंगे और आपको सेफ्टी ज्यादा मिलेगी। डीएलएफ वॉलेटाइल रह सकता है, जी हाँ, आपको ज्यादा फायदा दे सकता है HDFC और LIC हाउसिंग से, तो जो रिस्की ट्रेडर्स है वो डीएलएफ बाय करें, अदरवाइज सेफ ट्रेडर्स के लिए LIC हाउसिंग और HDFC जैसे स्टॉक्स जो प्रॉक्सी प्ले बन सकते हैं हाउसिंग के वो बाय करना चाहिए। चलिए बाजारों की खुलने की तैयारी यहाँ पर प्री ओपनिंग सेशन में हम बता दूं सिर्फ एक स्टॉक है जो लाल निशान में और वह है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहाँ पर मामूली कमजोरी, कोई वो भी खास कमजोरी नहीं, 1/4% की। बाकी 49 स्टॉक निफ्टी के ऐसे हैं जो तेजी में पॉजिटिव खुलने के लिए तैयार है। इन्फोसिस में प्राइस और वॉल्यूम वाइज एक्शन जबरदस्त रहेगा, क्योंकि प्री ओपनिंग सेशन में ही 2 ब्लॉक डील 1 लाख शेयरों की हो चुकी है इन्फोसिस में और आप देख सकते हैं 6.5% का उछाल ये दिखाता हुआ। लेकिन इसके अलावा हाई बीटा स्टॉक्स मजबूत रहेंगे, JP एसोसिएट, DLF यहाँ पर अच्छी तेजी होती हुई दिख रही है प्री ओपनिंग सेशन में। बैंक्स मजबूत रहेंगे, एक्सिस, इंडसइंड और PNB में तेजी होती हुई दिख रही है। लेकिन इसके अलावा IT शेयरों पर उछाल जो दिखेगा उसमें विप्रो भी मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है, HCLTech मजबूत खुलेगा और पहली टिक आपकी स्क्रीन पर 250 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स पर अब 280 अंकों की मजबूती और वहीं निफ्टी 6100 के आंकड़े पर खुलता हुआ 75 अंक मजबूत, 0.25% की तेजी सेंसेक्स और निफ्टी में होती हुई दिख रही है, 8% की तेजी रेनबैक्सी के शेयर में, टॉप परफॉर्मर आज का रेनबैक्सी, 5% के आसपास की तेजी इंफोसिस में होती हुई दिख रही। तो इंफोसिस में उतना बड़ा उछाल नहीं जितना शायद ट्रेडर्स उम्मीद करते होंगे और अब इंफोसिस जहां से खुला है वहीं पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है, 3340 का हाई है और वहां से 100 रुपए नीचे 3240 पर ट्रेड करता हुआ इंफोसिस का स्टॉक। DLF 3% मजबूत, विप्रो, इंडसइंड बैंक, HCLTech, बैंकिंग शेयरों में तेजी है, IT शेयरों में तेजी है, रियल एस्टेट और हाई बीटा शेयरों में तेजी है, JP एसोसिएट आप देखिए, LNT की बात आशीष कर रहे थे मजबूत खुलता हुआ दिखा है, लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर फॉर अ चेंज इंफोसिस नहीं है, रेनबैक्सी है, 7% का बड़ा उछाल रेनबैक्सी में इस वक्त आता हुआ दिख रहा है और अब DLF दूसरे नंबर पर 3%। इंफोसिस पर सेलिंग प्रेशर है साफ तौर पर, ऐसा लग रहा है कहीं के एक्सपेक्टेशन ज्यादा तेजी की बनाकर ट्रेडर्स लेकर गए, तो शुरुआती कारोबार में उनकी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है, ये एक संकेत है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, क्या रुझान है वहां पर, अरविंद मिल्स के लिए नेगेटिव खबरें आती हुई दिखी है, लॉर्ड रोलैंड की तरफ से
और वो स्टॉक 2% नीचे खुलता हुआ दिखा है। और साथ ही मजबूत शेयरों की बात करें तो रैनबैक्सी पर बड़ा उछाल 5% का और डीएलएफ इन्फोसिस उसे फॉलो करते हुए दिखे, तो बहुत बड़ी तेजी नहीं। और सेंसेक्स भी आप देखिए ऊपरी लेवल से लगभग 100 पॉइंट फिसलता हुआ दिखा है, निफ्टी पर अब सिर्फ 50 अंकों की तेजी बची है। अल्पेश आप ये कह रहे थे कि रैनबैक्सी में तेजी करनी चाहिए, खरीदारी का मौका है, ऊपर के लेवल से रैनबैक्सी माफ कीजिए इन्फोसिस ऊपर के लेवल से फिसला है, 5% ऊपर खुला था अब सिर्फ 1.5% ऊपर है, इस वक्त 3175 का लेवल है, किस लेवल पर आप इन्फोसिस खरीदेंगे? सी देखिए अनिल जी, मैंने आपको एक लेवल भी बताया था टारगेट को 3320 का था, उसी के सामने आज इन्फोसिस देखिए 3340 का एक हाई बनाया कि वहीं से नीचे फिसल रहा है। मैं मानता हूँ अभी भी कि अगर स्टॉक्स कहीं पे भी 3000 के ऊपर है तब तक ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। आपको जो क्रम एक स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर जाना पड़ेगा, 3320 के ऊपर अगर ये क्लोज होगा तो ही ये 35 के ऊपर जाएगा और 35 के ऊपर फिर इसकी एक नई रेंज बनेगी जो 3800 तक स्टॉक को लेके जा सकती है। अगर लोअर लेवल में कहीं पे भी इन्फोसिस फिर से एक बार 3110 या 3150 के पास में आता है तो वहाँ पे 3000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप एक बार बाइंग की चेष्टा कर सकते हैं। ओके लेकिन यहाँ पर अंकिता आपकी क्या राय है अब इन्फोसिस पर? लगभग 2.5% मजबूत है इस वक्त इन्फोसिस, 3200 के लेवल पर एक बेहतरीन बैठे खरीदारी के लिए आज से? हाँ डेफिनेटली इन्फोसिस पे ये लेवल पे भी अगर अपग्रेड कर देंगे तो अक्यूमुलेट काइंड ऑफ रेटिंग रहेगा। एक्चुअली हो सकता है कि अगर इन्फोसिस अपना गाइडेंस अपग्रेड करके अपर एंड 10-11% कर देता तो उनको 3% से ज्यादा मूवमेंट दिखता है स्टॉक में। बट डेफिनेटली ये लेवल पे सिंस लास्ट 2 quarters से कंसिस्टेंटली गुड रिजल्ट आ रहे हैं इन्फोसिस से तो ये लेवल पे अक्यूमुलेट है इन्फोसिस। अपूर्व आपसे भी एक सवाल, क्योंकि इन्फोसिस पे ऑलरेडी हमने राय ली है, इन्फोसिस के अलावा कोई और स्टॉक इस स्पेस में आईटी में जो पसंद हो आपको, या बोलेंगे कि नहीं इन्फोसिस के साथ ही रहिए? नहीं, आई थिंक प्रेफरेंस आप दे सकते हैं HCL टेक एंड TCS को ओवर इन्फोसिस, क्योंकि मेरे ख्याल से अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा है, ग्रोथ पोटेंशियल इज ऑल्सो मोर। यहाँ से करीब इन्फोसिस में मेरे ख्याल से 10-15% अपसाइड का वैल्यू बनता है। एंड जिस तरह से हुआ है कि सेकेंड हाफ में काफ़ी ग्रोथ नहीं आएगा, इट इज़ क्वाइट कंजर्वेटिव, सो आई थिंक इट इज़ प्रेटी मच इन लाइन और स्लाइटली बेटर टू से द लीस्ट। बट अगर टीयर वन आईटी पैक में से सेलेक्ट करना है तो HCL टेक और TCS को देखा जा सकता है, फॉलोड बाय इन्फोसिस, आई थिंक टेक महिंद्रा इज अनदर स्टॉक दैट वन कैन सी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व और अंकिता, समय निकालकर हमसे बात करने के लिए।